हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु में। आज हमारे पास टीवीएस की स्कूटी पेप गाड़ी है, वो गाड़ी का हम ऑयल चेंज करने वाले हैं। वो किस तरह से चेंज करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेंगे, कौन से टूल्स लगेंगे, वो आज के वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं, कंटिन्यू करें वीडियो को, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरह से देखें। तो इंजन ऑयल चेंज करने से पहले गाड़ी को थोड़ा देर स्टार्ट कर लें हम, जैसे कि हमारे पूरे वीडियो में बताते ऑयल चेंजिंग वाले कि गाड़ी थोड़ी तरीके से फ्लश कर ले, इंजन ऑयल अच्छी तरीके से बाहर आ जाएगा। बताते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर ले थोड़ी देर के लिए। ओके, हम चालू करते गाड़ी, अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर गाड़ी चालू करके थोड़ी देर के बाद बंद कर दें, ठीक है, ताकि इंजन पूरी तरह से पूरा जो इंजन फ्लश होके नीचे में आ जाए, नीचे की तरफ ऑयल आ जाए पूरी तरीके से। और ऑयल थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, यानी पतला हो जाता है, तो अच्छी तरीके से पूरा ऑयल कम्प्लीटली बाहर आ जाता है। तो गाड़ी थोड़ी देर हमने गर्म कर दिए स्टार्ट करके, अब इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमको इस तरीके से एलेंकी लगेगी, ठीक है, ये 10 नंबर की एलेंकी लगेगी हमको ओपन करने के लिए। अभी हम आपको बोल्ट भी दिखाएंगे कि कहाँ पर माउंट रहते इसका। ओके, ये गाड़ी में एक्टिवा और डिओ या प्लेजर सामान, इसके ऑयल हम ओपन नहीं कर पाते हैं, उसका नीचे साइड में रहता है। हम दिखाएंगे आपको कौन सा बोल्ट रहता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक्सटेंशन भी ले सकते हो ताकि हमको टॉर्क अच्छा मिले, और हैमर लगेगा ताकि हम वो जो बोल्ट रहेगा हम उसको थोड़ा सा हैमरिंग करके फ्री करने के लिए। और इस तरीके से बर्तन लगेगा हम यहाँ पर ऑयल कलेक्ट करने के लिए। ओके, हमको इस तरह से प्लायर लगेगा, हमको छन्नी लगेगी या हमको पाइप और एक छन्नी लगेगी ताकि हम अच्छी तरीके से ऑयल इसमें डाल सकें। ओके, और एक कॉटन वेस्ट ताकि हम पोछने के लिए हमको कॉटन वेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं बोल्ट कहाँ पे रहता है। तो ये नीचे में जाएंगे हम, यहाँ पे गाड़ी के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल्ट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे जो कैप टाइप दिख रहा होगा एलेंकी का दिखा, ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये एलेंकी का ग्रुप बना हुआ है, ये है ऑयल का बोल्ट है, ऑयल ड्रेन करने का बोल्ट है। यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं 10 नंबर की एलेंकी के बोल्ट से। ओके, तो अभी दिखा ले ये डिपस्टिक निकाल ले ताकि ऑयल अच्छी तरीके से पूरा बाहर आ जाए, ठीक है। यहाँ से पूरी तरीके से डिपस्टिक निकाल लें, ओके, उसके बाद में ऑयल इसको निकालें, ओके, प्लायर की मदद से। तो फ्रेंड्स इसको हम ओपन करेंगे अभी। ओके, ये जो दिख रहा है बोल, इसको ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हैमरिंग कर दे थोड़ा सा ताकि ये इजीली ओपन हो जाए, इजीली ओपन हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हैमरिंग करते हैं। ओके, इसको ओपन करेंगे। तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है, देखो ये ओपन हो जाता है, इसको ओपन करेंगे अभी। तो इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करके, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करके इसको ओपन करेंगे। देखो इसको निकालते हैं कि ऑयल नीचे आ जाता है। ओके, इस तरह से ये ऑयल पूरा हम निकाल सकते हैं गाड़ी का। उसके लिए हमको ये 10 नंबर की एलेंकी लगेगी, ओके, स्पेशल यानी बाकी गाड़ियों में 16-17 नंबर का बोल्ट लगा रहता है, ये साइड में है या वो साइड में। तो इस तरीके से हम ऑयल चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें ऑयल इंसर्ट करेंगे, 800 ml ऑयल लगता है, 750 ml। जैसे ये कैप लगाएंगे, ये कैप लगाने से पहले ये जो फिल्टर है यहाँ से फिल्टर, और आपको बताते थे फिल्टर की पोजीशन क्या रहेगी, ये इस तरह से लगेगा, ऊपर के साइड में रहेगा, ये जो पोर्शन है राउंड वाला है ऊपर की साइड में रहेगा, इस तरह से अंदर चले जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी इसको भी लगा देंगे ये, और ये लगाने से पहले हमको ये ओरिंग चेक कर लेना चाहिए। ओके, ओरिंग अगर टूटी होगी तो ओरिंग नहीं खरीद के मार्केट से ला के इसमें लगा दें। ओके, तो इसको भी लगा देते हैं। इसको एंटी क्लॉक वाइज ओपन किए थे, भी क्लॉक वाइज इसको टाइट करेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको क्लॉक वाइज इसको टाइट करेंगे। ओके, पूरे अच्छे तरीके से
ये एलंकी की मदद से इसको टाइट कर देंगे, इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड इसमें हम ऑयल इंसर्ट करेंगे, हमारे पास एस्पिरेसर कंपनी का ऑयल है 10W30 जो स्कूटर गाड़ी के लिए स्पेशली बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे प्रीमियम 4-स्ट्रोक स्कूटर इंजन ऑयल, स्पेशली स्कूटर के लिए बनाया गया इंजन ऑयल है, यानी 10W30। बाकी अदर्स कंपनी के भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्कूटर का ऑयल है 800 ml ऑयल इसमें लगता है, तो ml इंसर्ट करते हैं, ऑयल डालेंगे हम गाड़ी में। देखो अभी इसको खोलेंगे, इसकी एम आर पी भी दिखा देते हैं। इसकी एम आर पी 275 इसकी एम आर पी है। हमको मार्केट में 250 rupees में या 240 rupees में हमको आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। ओके इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, ये पाइप लगा देंगे जहाँ डिपस्टिक लगी रहती है इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड जगह है इसलिए इस तरीके से पाइप लगता है। इसको ओपन कर देते हैं इस तरीके से। ओके और ये मोपेड गाड़ी के लिए बनाया करके ये इसमें इस तरीके से स्पेशल बना हुआ रहता है जो हम इस तरह से इंसर्ट कर सके, पर ये बहुत ही अंदर है करके हम इस तरीके से पाइप लगा रहे हैं। ओके तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम इसी तरह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। फिलहाल हमने अभी तक के पूरे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं। हमारे हमने एविएटर गाड़ी का ऑयल, इंजन ऑयल चेंज करने का, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ब्लेजर के सेल्फ का प्रॉब्लम भी हमने, वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप देख सकते हो हमारे चैनल में जाके हमारे पूरे वीडियो। तो इस तरह से पूरा ऑयल इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ओके ये पूरी तरह से ऑयल इसमें हमने इंसर्ट कर दी है। तो अभी लेवल चेक करेंगे, इंसर्ट कर देते हैं। तो इसका लेवल चेक कर देते, देखो ये लेवल आ रहा है। ओके तो इस तरह से हम ऑयल चेंज कर सकते हैं अपने घर में ही। बस अपने पास एलएनकी होना जरूरी है 10 नंबर की, और इस तरीके से पाइप रहेगा तो हम आराम से अपने घर में ऑयल चेंज कर सकते हैं। ओके सो ये ऑयल चेंज वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।